ऐसी बहुत दुकान है जिसमें इतना सब सामान है इधर। और सीधा जाएंगे कुर्ला मार्केट, बाइक मार्केट, खाली पीले उसका नाम खराब करके रखा है, कुर्ला चोर मार्केट, चोर बाजार। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। तो अपने को कराने का पीयूसी, अपन आ चुके हैं पीयूसी वाली जगह में, उसको घुमा के लगाता हूँ और पीयूसी कराता हूँ गाड़ी की। भाई पीयूसी चालू है, बना दो ना। तो पीयूसी बना के अपने को जाने का है कुर्ला मार्केट, स्टार्ट किया जाए अभी इसको। ऑपरेशन चालू भाई, हवा चालू है। अपन मैं भर लो, चलो सेल्फ सर्विस। तो चलो, ओए 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 बच गया। यहाँ आ गए अपन अपनी लोकेशन पे। अब यहाँ से इंट्रो शूट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से आगे जाने का फिर बस। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मुसाफिर। तो आज मैं और विनय हम लोग दोनों जा रहे हैं कुर्ला मार्केट, क्योंकि हम लोग को लेना है वहाँ से अपने गाड़ियों का कुछ सामान। की गाड़ी बोले तो अपाचे 160 और मेरा शैडो जो RS है 200, इसका लेना है मुझे एक चेन स्प्रॉकेट गोल्ड। फाइनल कर दिया है, गुरुजी से भी बात हो गई अंगद भाई से, तो उन्होंने बोला मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है उसका, बट ठीक है कॉस्मेटिक्स के लिए कर सकते हैं अपन। तो अभी वही लेने जा रहा हूँ मैं, लेके आता हूँ। और मेरे को सोच रहा हूँ फ्लैशर भी डाल दूँ सिमटेक का, तो देखते हैं अगर मिल गया तो फ्लैशर भी डाल देंगे और इसका टायर भी देखेंगे अगर टायर हुआ तो, क्योंकि मेरा दोनों टायर क्रैक हो गया है। अभी अभी अपन ने इसका और दोनों टायर भी क्रैक हो गए, तो अभी चलते हैं आगे की वीडियो बनाते, देखते हैं और क्या कर सकते हैं इस पर। तो ये वही लोकेशन है जहाँ अपनी हर वीडियो शूट हो रही है अभी, लगातार 4-5 वीडियो से ये चौथी वीडियो है जो शूट हो रही है इधर। तो अभी चलते हैं अपने गाड़ी पे, मिलते हैं आपको सीधा GoPro में, चलो निकलते हैं और सीधा जाएंगे कुर्ला मार्केट, बाइक मार्केट, खाली पीले उसका नाम ख़राब करके रखा है, कुर्ला चोर मार्केट, चोर बाज़ार। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। तो RTO ने भी एक नया रूल निकाल दिया, अभी डेली सुबह उठता है तो RTO ने तो पेट्रोल से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ एक नया न्यूज़ आ ही जाता है, तो पेट्रोल का भाव कम होता है। तो आपका क्या सोचना है RTO के नए रूल पे? 9th of June से आप सभी को पिलियन पे भी हेलमेट अनिवार्य हो चुका होगा, मतलब ज़रूरी है, नहीं तो उस पर फ़ाइन है ₹500 का। ओ ओ, और 3 महीने के लिए ड्राइवर्स का लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको ये बात सही है, मतलब अच्छी है, या क्या क्या हो सकता है इसके साथ? वैसे तो अगर रूल है तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, फ़ाइन तो फ़ाइन, ऊपर से तीन महीने के लिए अपना लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, तो उसमें तो मज़ा नहीं आएगा, तो फॉलो ही करना सबसे सही बात होगी। ये वही रास्ता है जब अपन ने लास्ट बाजार जाने के टाइम पे गया था मैं यहाँ से। सर्विस के बाद इसका परफॉर्मेंस और अपग्रेड हो जाएगा, तो बहुत स्मूथ चलेगी और मज़ा आएगा इसको चलाने में। टोन सेट ऑन सेट बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी सर्विस में चेंज होने वाली है। इस बार समझ लीजिए 15,000 पे एकदम स्पेशल इसको ट्रीटमेंट मिलने वाला है। टोन सेट, चेन स्प्रॉकेट, मे बी हो सका तो टायर्स भी, व्हील बेयरिंग्स, फ्यूल फिल्टर, इंजेक्टर क्लीनिंग, टोटल बॉडी क्लीनिंग। तो चलिए बने रहिए मुसाफिर के साथ। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया। गर्मी बहुत है भाई, पानी पानी हो गए हम लोग, ये खाली शूट करते करते उधर छाव में खड़े थे फिर भी गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी है भाई। कुछ दिन और, अभी बीच में एक दिन बारिश हुई, फिर उसके बाद तो ऐसा लग रहा था गर्मी इंटू 200 हो गया। चलो, तो बात तो हो गई थी अपनी अंगद भाई से इसके चेन स्प्रॉकेट के बारे में कि क्या करना है, इसमें डालना है नहीं डालना है। तो उन्होंने बोला डाल सकते हैं, बस उसको मेंटेन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा,
थोड़ा लुक भी एनहेंस हो जाएगा इसका और अच्छी भी दिखेगी बस इसके लिए। और कंपनीज भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो रोल ऑन की ब्रांड को यूज़ करती है बट ओईएम पार्ट्स पे, ओईएम पार्ट्स में जो देते हैं, अगर आप हीरो का चेन स्प्रॉकेट खरीदोगे तो उसकी चेन के ऊपर रोल ऑन ही मेंशन होगा, तो क्यों नहीं डायरेक्ट रोल ऑन की चेन ली जाए अपनी गाड़ी के लिए, तो वही लेने देखते हैं। अगर मिल गई RS 200 की BPR किट, यानी कि ब्रास प्लेटेड किट जो है इसकी, वो मैकडॉनल्ड्स, तो वो लेके इसमें करेंगे बहुत कुछ अपग्रेड। और राइड्स का भी प्लान सोचा हुआ है कुछ कुछ जगह का, हम लोग सोच रहे हैं कि जितने जल्दी बारिश आ जाए उतना अच्छा है, तो वो वाटरफॉल्स वाली सब जगह में जाने में भी मज़ा आएगा। विचार चालू है, अब देखते हैं क्या एग्जीक्यूट हो पाता है लास्ट में। और एक बड़ी राइड का भी प्लान चल रहा है, हो गया तो उधर पे भी चले जाएंगे, तो बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है अपनी गाड़ी के लिए, शैडो के लिए। बने रहिए आप लोग, एक एक करके सब चीज़ होगी रिवील। कुरला कब्रिस्तान, मैं जब भी आता था मेरे को इधर का ये पुलिस वाले रुका ही लेते थे, आज नहीं रुकाया पता नहीं क्यों, अच्छा रुका के रखे ये पहले से। रिवोल्ट, अरे अब लग रहा है वो दिन दूर नहीं, वो बेल्ट ड्राइव है ये, इसको मैं ये बाजू से पहली बार देख रहा हूँ। हाँ बेल्ट ड्राइव है ये, बस ये सिग्नल से लेफ्ट लेने का अपने को, पहुंच गए घर में। ये देख नीचे उसने रेडिएटर चालू कर दिया, ऐसा लग रहा पैर में भरता बन रहा है मेरा। बाप देख रहा कैसा मार रही है लेफ्ट, चचा भी डर रहे हैं, हमको भी डरा रहे हैं, चाचा खुद भी डर रहे, अपने को भी डरा रहे। यहाँ से राइट और राइट लेके अंदर और अंदर से फिर सीधा, यहाँ से थोड़ा रॉन्ग वे मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि अपन जहाँ से आते हैं वहाँ से अपन को ये रॉन्ग वे ही मिलेगा। यहाँ सब कार्स के पार्ट मिलते हैं, ये सब बाहर जितने भी है सब कार की लाइन है, वो गली है लाइट के आगे से, अंदर जाएंगे तो अपने को मिलेगा बाइक का सब पार्ट्स। मुंबई में जितने लोग भी रहते होंगे वो ये सब जगह से वाकिफ रहेंगे, बहुत मुश्किल होगा ऐसा कोई राइडर जो यहाँ नहीं आया हो। चलो ये सब बाइक्स का पार्ट है इधर, अरे इसकी तो फटे कर दिए भाई इधर। चलो यहाँ से भी ये सब बाइक्स का पार्ट है, 220 का, NS का, अपनी गाड़ी के भी पार्ट्स है इधर फाइबर के। अपने को जाने का है मोटो हब, ये रहा मोटो हब। ये नया आया फाइबर में और ये तो मस्त लग रहा है, लेकिन अब मैंने लगा दिया 390 वाला, कोई नहीं अगले टाइम देखेंगे और अगली सर्विस पे। सब
लाइट है इधर एलईडी, ये पीछे का टेल लाइट, सब हेडलाइट, मास्क जट प्रभजोत जी वाला, केसिंग कवर है ये, इंजन केसिंग पे जो कवर आता ना इंजन प्रोटेक्शन, वो है MT-15 का, दोनों भी R15 पे भी लग जाएगा। सिमटेक का फ्लैशर, ये यूनिवर्सल वाला है, अपने को RS का चाहिए, देखते हैं RS का है कि नहीं, और फ्लैश भी है इधर, ये रहा फ्लैश X, ये बहुत महंगा है लेकिन इससे टेल लाइट भी कंट्रोल होती है, इससे टेल लाइट का भी लाइट ब्लिंक होता है। इसका जो वायरिंग दिया रहेगा ना वायरिंग, वो बहुत अलग अलग तरीके का वायरिंग। ये यूनिवर्सल है, ये नाइट आई का यूनिवर्सल, चालू तो कर भी, अपर डिपर दोनों, वीडियो चालू ही नहीं है, चालू है, टाइमिंग चालू है ना दोस्त, इसमें एक CVT आ रही है, वो क्या होता है, ये उसका भी पावर दिखा दे, वो नाइट आई की थी और ये कौन सा है CYT, इसका पावर देखते हैं। तो ये भी यूनिवर्सल है, एलईडी में जाएगा तो यूनिवर्सल ही आता है। अच्छा, इसका कम ब्राइट है, ये कितने का है, ये आएगा 450, और वो नाइट आए, नाइट आए आ जाएगा 900। फैन है ना इसमें भी पीछे, फैन है, ये वो दिखाओ पीछे के टायर, अगर या स्कोरना का है क्या, क्या बात है, अस्कोरना का भी टायर अगर आ गया इधर, ये अपनी गाड़ी का NSRS बजाज AS, ये रहा ये सब अपना प्रोटेक्टर प्रो बाइकर का, ये ग्लव्स, हाँ अंदर पहुँच जाओ, ये रहे और हैवी हैवी, ये सब हैवी प्रोटेक्टर्स है, सबका प्राइस क्या क्या भाव में है ये सब, और सबसे सस्ता, सबसे सस्ता है ये, अब सस्ता रह के भी अच्छा है यार, ये हैवी है, ये कितना 2000, वो क्या बात है 1100, ये भी मस्त है 1100 में, सारे बाइक के पार्ट्स है इधर, आफ्टर मार्केट OEM पार्ट्स सब, मैकविल भी है रॉयल एनफील्ड का, ये इंडिकेटर सब, ऐसी बहुत दुकान है जिसमें इतना सब सामान है इधर, OEM पार्ट्स भी है बजाज का, हीरो का, टैंक्स भी है अपाचे का, R15 वर्जन 2 पल्सर, सस्पेंशन वर्जन 2 का लाइट, चलो अब निकलते हैं यहाँ से, सीधा जाएंगे घर, अपन ने ले लिया सामान जो जो अपने को इधर से चाहिए था, बट एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, तो पहले बैड न्यूज़ सुनाता हूँ, वो बैड न्यूज़ ये है कि मेरे को रोल ऑन का चेन नहीं मिला इधर, ब्रास वाला, अब उसको या तो मेरे को ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा या मैं अपने इधर देखता हूँ, मेरे इधर के स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे या कोई भी दुकान पे मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिमटेक का फ्लैशर मिल गया। विनय तेरा क्या क्या लिया अपन, लीवर और क्या लिया था, एक चीज और ले लेना, LED
बस मिरर क्यों दिया भाई तुम्हारे को पीछे देखने के लिए। अब बस इसकी सर्विस कराएंगे किसी दिन, जिस दिन अंगद भाई फ्री मिल गए अपने को, यानी कि संडे। अब वो ये संडे भी हो सकता है, नेक्स्ट संडे भी हो सकता है, अब पता नहीं कौन सा संडे होगा। क्या साउंड करती है, क्या बोलता है विनय, क्या साउंड करती है भागते टाइम। इसी नोट पे क्लोज करते हैं अपन अपनी वीडियो। तो बस आप इंतज़ार करिए अपनी गाड़ी की सर्विस का, और सर्विस के बाद उसके परफॉर्मेंस वीडियो का। तो मिलते हैं अब अगले किसी अच्छे एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ। जब तक फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और मुसाफिर को दुआ दीजिए। टाटा बाय।